दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंटरनेट की 10 ऐसी भूतिया वीडियोस जिनको जो भी देखता है वो अकेला कभी नहीं सो पाता। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो से। आज की हमारी पहली वीडियो एक व्यक्ति ने अपने घर के बेसमेंट में रिकॉर्ड करी थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के कारण उसने इस वीडियो को नाइट मोड में रिकॉर्ड करा था। और वीडियो को उसने इसलिए रिकॉर्ड करा था क्योंकि उससे कुछ शक था कि कोई उसके घर में चोरी छुपे आ गया है और उसके बेसमेंट में तोड़फोड़ भी कर रहा है। वीडियो के अंदर आप देखोगे कि वो व्यक्ति इस घटना को पुलिस के साथ शेयर कर रहा होता है और जब वो पुलिस को अपनी सारी कहानी बता रहा होता है तब वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल प्रेजेंस फील होने लगती है। पुलिस से जब इस व्यक्ति की बात ख़त्म हो जाती है तब उसको अपने कैमरे में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को भी मिलता है। वीडियो में एक महिला की आत्मा एक फ्रेम में एक सेकंड के लिए दिखाई देती है जो अपनी जगह से एक ही सेकंड में गायब होकर उस व्यक्ति के एकदम पीछे आ जाती है। आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है? आज की हमारी दूसरी वीडियो एक पावर प्लांट के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है और इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि एक सफ़ेद रंग की परछाई मिस्टीरियस तरीके से कैमरा फ्रेम में नज़र आती है और धीरे धीरे चलते हुए दिखाई देती है। हैरानी की बात तो ये है कि वो जो भी चीज़ थी उसकी कोई परछाई भी नहीं होती। तो क्या ये सच में कोई भूत था? आप लोगों को क्या लगता है? आज की हमारी तीसरी वीडियो एक चाइनीज़ घोस्ट हंटर ने लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त रिकॉर्ड करी थी और इस वीडियो के अंदर ये एक जंगल को एक्सप्लोर करने जाता है क्योंकि उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा था कि कई दिनों से उनको जंगल में से काफ़ी भयानक और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और वीडियो देखकर लगता है कि वो लोग बिल्कुल सच बोल रहे थे। वीडियो के अंदर एक बहुत ही मिस्टीरियस सा क्रिएचर कैप्चर हो जाता है जिसको देखकर वो इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ से फौरन भाग जाता है। आज की हमारी चौथी वीडियो एक घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है जिसमें एक बहुत ही भयानक पल कैप्चर हो जाता है। आधी रात के समय में जब सामने वाले घर के सारे लोग सो रहे होते हैं तब उस घर की खिड़की पर एक सफ़ेद कपड़े पहनी हुई आत्मा दिखाई देती है जो फिर कुछ ही देर बाद घर की सभी खिड़कियों पर घूमती हुई नज़र आती है। क्या सच में ये कोई भटकती आत्मा थी? आप लोगों को क्या लगता है? आज की हमारी पांचवी वीडियो किसी समुद्री जहाज़ के लोडिंग डॉक की सीसीटीवी फुटेज है जिसके अंदर कुछ ऐसा खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। कंटेनर के पास एक धुंधली सी सफ़ेद रंग की परछाई देखने को मिलती है जिसकी कोई शैडो भी नहीं होती और यह परछाई फ्रेम में कुछ सेकंड नज़र आती है और फिर अचानक से हवा में गायब हो जाती है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? आज की हमारी छठी वीडियो एक घर की रिकॉर्डिंग है जिसको एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था और इस वीडियो में आप देखोगे कि एक विचित्र सी परछाई सीढ़ियों के पास नज़र आती है जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे यह परछाई किसी बच्चे की हो जो छत पर उल्टा चल रहा है। लेकिन आप लोगों की इस बारे में क्या राय है?
आज की हमारी 7वीं वीडियो एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज है और इस वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे कि एक सफ़ेद रंग की आकृति टेबल के पास अचानक से प्रकट हो जाती है और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के अंदर बढ़ने लगती है। ध्यान से देखने पर यह आकृति किसी एलियन जैसी दिखती है जिसके हाथ और पैर काफ़ी पतले होते हैं, लेकिन असल में वो क्या चीज़ थी इसकी एक्सप्लेनेशन तो किसी के पास नहीं है। आज की हमारी 8वीं वीडियो इंडिया के किसी शहर की सीसीटीवी फुटेज है और इस फुटेज में आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। वीडियो के अंदर एक गाड़ी के पीछे एक आत्मा नज़र आती है जिसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने सामने पार्क हुई गाड़ी के अंदर झांक रही है। तो क्या ये आत्मा किसी के इंतज़ार में वहां भटक रही थी? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी 9वीं वीडियो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने एक सुनसान जंगल में रिकॉर्ड करी थी और अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान उनको कुछ ऐसा सीन भी देखने को मिलता है। वीडियो के अंदर इस इन्वेस्टिगेटर के सामने एक सफ़ेद रंग की आकृति आ जाती है जो सिर्फ कैमरा में ही कैप्चर होती है, क्योंकि अगर वो आंखों से भी दिखाई देती तो इन्वेस्टिगेटर वहां से भागने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता। आपका क्या कहना है इस घटना पर? आज की हमारी आखिरी वीडियो एक घर के लिविंग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से रिकॉर्ड करी गई थी और जब इस घर में के सारे मेंबर बाहर होते हैं तब एक खौफनाक मंजर भी रिकॉर्ड हो जाता है। इस घर की सीढ़ियों के पास एक काले रंग की परछाई प्रकट हो जाती है जो नीचे आती हुई दिखाई देती है, लेकिन क्या यह सच में किसी व्यक्ति की आत्मा थी जो उस घर में भटक रही थी? इसका फैसला मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का डरावना सफ़र भी ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आप मेरे साथ और भी ऐसे डरावने सफ़र पर जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।